वेलकम बैक गाइस, आज हम दोबारा से खेलने जा रहे हैं यूरो ट्रक सिमुलेटर 2 रोड टू द ब्लैक सी। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने पिछले एपिसोड में R370 स्कानिया का मॉडिफाई किया है, सो आज हम उसको ड्राइव करेंगे और जो हमें ईमेल आई थी कॉन्ट्रैक्ट की, उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करेंगे अपना उस कंपनी के साथ और हम उनकी डिलीवरीज को पहुंचाएंगे और कुछ पैसा कमाएंगे। सो आइए चलते हैं गाइस। जैसे कि आप देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन पे, हमारा स्कानिया का R370 सामने खड़ा है जो कि बहुत ही प्यारी लुक दे रहा है रात के टाइम में। इसका ये जो कलर है ना, तुर्किश का मेटेलिक, बहुत ही प्यारा लग रहा है इस पे। और लाइक जितने हमने मॉडिफाई किया इस पे, सब कुछ बहुत ज्यादा प्यारा लग रहा है। सो हम चलते हैं जल्दी जल्दी से ईमेल की तरफ, जो हमें ईमेल आई हुई थी ड्राइव विद और ऑन नीडेड। So we are looking skilled drivers with their own trucks for a large number of deliveries. We offer competitive rates up to 7,400 euros for a job. Please, if you have your own vehicle, inquire directly at our dock in Malmo. So ये Malmo में एक कंपनी है कॉन्सनोर वाली, ठीक है। So हम वहाँ पे चलते हैं और वो कह रहे हैं कि हम आपको हर डिलीवरी पे 7,400 euros देंगे। So हम जल्दी जल्दी से मैप में जगह को कर लेते हैं मार्क और हम वहां पे जल्दी से चलते हैं। सो मालमो में हमने करना है। अबे यहां पे क्यों हो गया है साइड पे? ये मालमो शहर है, आपको नजर आ रहा होगा। इसको मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ और ये मेरे ख्याल में ये कंपनी है कॉन्सनोर, यही होगी, जाके देख भी लेते हैं एक दफा। हमने मार्क कर दिया है कंपनी का और हम लास्ट टाइम जब हमने सेव की थी गेम वो हम लोड कर लेते हैं, एपिसोड 10 का एंड हम लोड कर लेते हैं। तो आइए चलते हैं। तो गाइज आज के एपिसोड में हम उस कंपनी तक पहुंचेंगे और फिर उनसे हम कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, जो भी साइंस करने होंगे वो हम साइन कर लेंगे और सफ़र भी लंबा होगा। सो आज के एपिसोड में हम इतना ही दिखाएंगे कि हम वहां तक कैसे पहुंचते हैं। सो कल से हम डिलीवरी स्टार्ट करेंगे उनकी लेना। सो आइए चलते हैं, स्टार्ट कर लेते हैं अपना स्कानिया R370। आप देख सकते हैं स्टार्ट हो चुका है और बहुत प्यारा लग रहा है इस वक्त। चलते हैं गाइस। मैप में हुआ नहीं है यार ये, चलें दोबारा से कर लेते हैं। बहुत ही ज्यादा जूम हो चुका है ये, इसको थोड़ा कम कर लेते हैं और हमने मालमो के शहर जाना है और इस सिटी में जाना है। सो हमने मार्क कर लिया जैसा कि आप देख सकते हैं और हम जल्दी जल्दी से चलते हैं गाइस। रेडी टू रोल, टर्न राइट। अबे नहीं, अबे यार ये तो ठुक गया।
सॉरी गाइस, मैं आपको ड्रोन यूज करने के चक्कर में अपने ट्रक को ठुका दिया मैंने, न्यू ट्रक को। चले कोई नहीं, रिपेयर कर लेंगे, चलते हैं जल्दी से गाइस। ये 185 किलोमीटर है। सो आज के एपिसोड में हम पहुंच तो जाएंगे। अबे बहुत ही स्पीड में यार, ये मोड़ ही नहीं रहा। सो गाइस, आज हम इसको ड्राइव करने वाले हैं 185 किलोमीटर तक। सो देखते हैं ये कितनी स्पीड हमें दिखाता है। आज इसके हम स्पीड टेस्ट भी कर लेंगे कि कितनी स्पीड तक जा सकता है। सो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, 100 तो इसने क्रॉस कर ही लिया है और बहुत आसानी से कर लिया है। अभी देखते हैं कि ये 150 तक क्या पहुंच पाएगा या नहीं। तो बहुत मजा आने वाला है। यार जैसे जा रहे हैं, मुझे लगता है इसी एपिसोड में बहुत जल्दी पहुंच जाएगा, क्योंकि 40 किलोमीटर तो इसने कर लिया। 145 गाइस, 145 तक पहुंच चुका है ये, और ये नीचे आ रहा है। 140 पे आ गया है। तो गाइस देख सकते हैं इसकी हरकतें, कहां पे चढ़ गया है यार। बहुत स्पीड में था तो मैंने ब्रेक मारी तो ये आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था। सो ज्यादा नुकसान तो नहीं हुआ, 1% टूटा है। चले कोई नहीं, इसकी कुछ चीजें वो मैंने सही करवानी है सर्विस पे, मैं इसको सही करवाऊंगा जो कि खराब हो चुकी है। उन्होंने टूल टैक्स भी काट लिया है। खोल दो ना, पैसे तो दे दिए। टूल टैक्स भी काट लिया और स्पीड ज़्यादा मारने वाले भी काट लिया। स्पीड लिमिट, असल में स्पीड लिमिट जो ट्रक की होती है इस गेम में वो 90 है। सो हम तो 90 पे अगर चलाएंगे तो कभी पहुंच नहीं पाएंगे। सो हमारी जो स्पीड लिमिट थी वो 150 तक पहुंच चुकी थी, जिसकी वजह से इन्होंने हमें फ़ाइन भी किया है। कोई नहीं, फाइन से कुछ नहीं होता। सो गाइस देख सकते हैं हम दोबारा से 130 क्रॉस कर चुके हैं, और ये नीचे क्या आ रहा है, 50 XP फॉर 100 किलोमीटर और फ्री रो। तो 50 XP मिल चुके हैं। किस वजह से? क्योंकि हमने 100 किलोमीटर आइडल चलाया है, कोई ट्रेलर हमारे पीछे नहीं लगा हुआ और हम आइडल ही इसको चला रहे हैं। तो इसकी वजह से हमें 50 XP मिल चुके हैं। XP ये आउट ऑफ कंट्रोल फिर होने वाला था, मैंने थोड़ा सा इसको कंट्रोल में किया। सो XP मैं बता रहा था कि XP इसलिए होते हैं कि जब XP में मिलते हैं तो वो लेवल को ग्रो करने में हमारी मदद करते हैं। अगर लेवल ग्रो होगा तो हम ज़्यादा अच्छे वाले ट्रक्स भी खरीद सकते हैं और हम उसको अच्छे से मॉडिफाई भी कर सकते हैं। सो आइए चलते हैं। हम 67 किलोमीटर रह गए, ये
बहुत स्पीड में आया है। और ये गाइस आप देख सकते हैं इसका बहुत ही अच्छा लगता हुआ। बेबे अबे नहीं नहीं गाइस आउट ऑफ कंट्रोल हो ही क्या था, तकरीबन बहुत मुश्किल से बचाया। असल में इसकी स्टेबिलिटी उतनी नहीं है क्योंकि ट्रक उतना स्टेबल नहीं है कि 150 को बर्दाश्त कर सके, 150 पे चल सके इस तरह। सो इसको चला रहे हैं 150 पे, फिर भी देखते हैं कब तक इसको बचा पाते हैं। सो आप ये फोन क्यों इसका देख सकते थे। आप देख सकते हैं ट्रकों की भरमार जा रही है, इतने ट्रक्स, और इस साइड पे कोई ट्रक नहीं जा रहा क्योंकि कोई ट्रक मेरे से तक पहुंच ही नहीं सकता। अबे साइड हो जा, अब ब्रेक मार लेते हैं इस दफा पहले, इस दफा फिर इन्होंने पैसे काट लिए। यार ये क्या मजाक है यार। फाइनली ब्रेक टाइम पे लग गई थी और हम बच चुके। और ये क्या ट्रेन जा रही थी साइड से, गाइस वो देखें ट्रेन जा रही है। Keep right and then exit right. Okay, okay. Exit right. हमें इधर जाना था राइट। I'll find a new route. Let's find a new route. Go straight on. route हमने ले लिया था, उसने बोला भी था कि राइट लेना है, लेकिन मैं पता नहीं कहाँ देख रहा था कि राइट लिया ही नहीं। Turn right. Okay. अबे नहीं यार, मेरी तो ड्राइविंग बिल्कुल बेकार हो चुकी है कि ट्रक ठोकी जा रहा हूँ। नया ट्रक अभी लिया है और इसको मैंने 11% डैमेज भी कर लिया, लाइक सीरियसली। गो स्ट्रेट ऑन, गेट रेडी टू टर्न राइट। राइट लेना है हमने, सर राइट लेते हैं यहाँ से। और ये मालमो हम पहुंच चुके हैं और ये मालमो की सिटी भी हमने डिस्कवर कर लिया है। टर्न लेफ्ट, एट द राउंड अबाउट टेक द फर्स्ट एग्जिट। एग्जिट नाउ। यार जिन्होंने बिठाया हुआ है ना बताने के लिए रास्ता, बहुत सही बिठाया हुआ क्योंकि बिल्कुल हमें मिस गाइड नहीं करेगा। यहाँ से राइट मुड़ना है। अबे रुक जा अब यार, इसकी ब्रेक, यार सबसे पहले मैंने इसकी ब्रेक सही करवानी है क्योंकि ब्रेक इसकी बहुत ही लूज है, लगती ही नहीं है यार। ट्रेन की तरह मैं आधा घंटा पहले तो नहीं मार सकते इस ब्रेक को। तो गाइज आप देख सकते हैं हम जा रहे हैं अपने कंपनी की रास्ते पर, मालूम तो हम पहुंच चुके हैं अभी कंपनी के रास्ते में जा रहे हैं। देखते हैं कि ये वही कंपनी है जो हमें 7400 यूरोस देगी। भाई कहाँ जा रहा है, शुक्र है ब्रेक इसकी लग गई है वरना ये तो कहीं और ही निकलने वाला था। शुक्र है गाइस ये निकल चुका है। असल में ट्रक में पावर बहुत होती है। सो
गाइस जल्दी से चेक कर लेते हैं कि क्या ये वही कंपनी है जो हमें दे रही थी। गाइस हम इंटर कर रहे थे और चेक कर लेते हैं। सो ये हमें मिल चुका है एक 218 किलोमीटर हमने डिस्टेंस कवर करना है और ये इतने पैसे मिलने वाले हैं हमें। सो हमें पहला तो इनका मिल चुका है कॉन्ट्रैक्ट जिनके साथ हमारा हो चुका था। सो हम चलते हैं और इस जॉब को लेते हैं और गाइस इसको हम ले लेते हैं और इसको हम पार कर लेंगे कहीं पे भी और हम इसको अगले एपिसोड में कंप्लीट कर लेंगे। इस कार्गो में है क्या, इसमें एक मशीन है मेरे ख्याल में असफॉल्ट मिलर 44 टन की है ये। सो हमने इसको पहुंचाना है जल्दी जल्दी से। सो आइए चलते हैं। सो इसको हम लोड कर लेते हैं, है कहां पे। गाइस आप देख सकते हैं ड्रोन व्यू पे हमारा स्कानिया R370 बहुत प्यारा लग रहा है। सो जल्दी से हम ट्रेलर ढूंढ लेते हैं, ट्रेलर कहाँ पे है भाई। ये आप देख सकते हैं गाइस, ये हमारा ट्रेलर और इसके ऊपर वो मशीन लगी हुई है। सो जल्दी से इसको हम कोपलिंग कर लेते हैं। गाइस हम अपने स्कानिया R370 पे फर्स्ट डिलीवरी लोड करने ही वाले हैं, उसके बाद हम इसको स्टार्ट करेंगे। तो देखते हैं फर्स्ट डिलीवरी ये कैसे करता है। अच्छा तो हमने बहुत किया इस पे, अभी चेक करते हैं कि ये काबू पे उतरता है पूरा या नहीं। सो लेट्स गो गाइस, ओपनिंग हो चुका है जैसा कि आप देख रहे हैं और ये बहुत ही स्मूथली इसको लेके जा रहा है गाइस, बहुत ही प्यारा लग रहा है ये डिलीवरी करते हुए। यार कंपनी तो अंडर कंस्ट्रक्शन है, बहुत बड़ी कंपनी लग रही है मुझे। एक साइड पे इन्होंने बनाई हुई है और बहुत ही बड़ी जगह इन्होंने ली हुई है यहाँ पे। सो मतलब बहुत बड़ी कंपनी है गाइस ये। सो हमें तो बड़ी कंपनी चाहिए ताकि हमें ज़्यादा पैसे मिले और हम ज़्यादा पैसे कमा सकें और ट्रक ख़रीद सकें अपने। सो गाइस आपको मैंने बताना था कि अगले एपिसोड में हम इसको तो कंप्लीट करेंगे लेकिन हम साथ में अपना जो गैराज है उसको हम बड़ा करने वाले हैं ताकि वहाँ पे ज़्यादा ट्रक्स आ सकें। हमने ट्रक ख़रीदने और भी और हमने उसके बाद ड्राइवर्स भी ख़रीदने हैं। सो गाइस आपका भाई ड्राइवर्स रखने वाला है, बहुत अमीर हो चुके हैं क्योंकि हमारे पास 3 लाख पड़े। अबे ये क्या है, टर्न लेफ्ट इंजन मैन्युफैक्चरिंग। गाइस जो हमने ठोका है ना इसको, उसकी वजह से इसका जो इंजन है ख़राब हो चुका है। सो हमें इसको वर्कशॉप लेके जाना है, किसी इसको सही करवाना है क्योंकि ऐसे डिलीवरीज करेंगे तो अल्लाह ही बचाए फिर तो। सो ये आप देख सकते हैं 217 किलोमीटर है। ये बहुत भारी भी है, मैं आपको दिखा देता हूँ कितने टन के, 44 टन का ये। टेक द थर्ड एग्जिट।
exit now. Okay. So मैं आपको दिखा रहा था, ये आप देख सकते हैं 44 टन का ये हमारा कार्गो है. Get ready to turn right. Asphalt Miller, इसका नाम है. और हमने जाना है. Turn right. अब इधर यहाँ से मुड़ना है. अच्छा. टर्न ले लेते हैं, फिर मैं आपसे बात करता हूँ गाइस. हमने वेक्सजो ट्रैकर टॉन्स जाना है. ये एक सिटी है स्वीडन की. सो जल्दी जल्दी से चलते हैं. जैसा कि आप देख सकते हैं, और जॉब इनकम हमें मिलेगी 5,993 यूरोस. सो इन्होंने एक्सटर्नल कॉन्ट्रैक्ट तो हमारे साथ नहीं किया है, पर सही है ये भी. लाइक 6,000 भी मिल रही है, ये भी अच्छा ही है. टेक द फर्स्ट एग्जिट. एग्जिट नाउ. अब सुबह के 10 बजे इसने लाइटें ऑन की हैं. अबे नहीं, रुक जा, रेड लाइट. ओ यार शिट, देखा ही नहीं. गाइस आप इसका ड्रोन व्यू देख सकते हैं. स्कानिया R370 बहुत प्यारा लग रहा है. सो गाइस अगले एपिसोड्स बहुत मजेदार होने वाले हैं. हमने ड्राइवर्स भी इक्विप करने हैं, ट्रक भी इक्विप करना है, और हमने अपना जो गैराज है इसको भी बड़ा करना है. सो आप उस एपिसोड्स को ना कीजिएगा. हम यहाँ से लेफ्ट टर्न ले लेते हैं आराम से. सो गाइस इसका मैं ड्रोन शूट करने वाला हूँ यहाँ से. अबे नहीं यार, यही डर था कि ठुक ना जाए. सारा ड्रोन शूट ख़राब कर दिया इसने. लेकिन चलें, फिर भी मैंने ले लिया ड्रोन शूट इसका. यहाँ से निकलते होकर धूप में बहुत शाइन मार रहा है, बहुत प्यारा लग रहा है हमारा तानिया का ट्रक. गाइस आगे हम इसको और भी मॉडिफाई करने वाले, और जितने ट्रक्स होंगे वो मॉडिफाई करेंगे. सो आज का मॉडिफाई जो कल हम एपिसोड में मॉडिफाई किया था, आप लोगों ने मुझे प्लीज़ कमेंट्स में बता दीजिएगा कैसा लगा. सो गाइस हम यहाँ पे खड़ा कर लेते हैं इसको, इस पेट्रोल पंप पे आराम से, और कल की एपिसोड कल शुरू करेंगे. इसको कंटिन्यू करेंगे आगे. ये आप देख सकते हैं पेट्रोल पंप पे हम पहुँच चुके हैं. हमने पेट्रोल नहीं डलवाना, पेट्रोल फिलहाल है हमारे पास. हम यहाँ पे खड़ा कर देते हैं इसको. ये बंद हो चुका है गाइस, आप देख सकते हैं. हमें स्टार्ट भी नहीं हो रहा यार. स्टार्ट हो जा, डिलीवरी लेके जानी है यार. कहाँ पे आके तो बंद हो गया है गाइस. ये बंद हो चुका है, इसको हम स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं. तो गाइस स्टार्ट हो गया, थोड़ा रेस्ट दे देते हैं यहाँ पे खड़े होकर के. सो अगली डिलीवरी हम यहीं से कंटिन्यू करने वाले हैं आगे. यहाँ पे हम इसको खड़ा कर देते हैं, और ताकि इसको थोड़ी रेस्ट भी मिल जाए. और क्योंकि इंजन थोड़ा ख़राब हो चुका है, क्योंकि मैंने इसको ठोक दिया है. कितने परसेंट? सो गाइस आप देख सकते हैं 13% ये टूट चुका है, जिसकी वजह से बंद हो रहा था. सो हम यहीं पे इसको बंद कर देते हैं इंजन को, और आपसे इजाज़त लेते हैं यहीं से. सो गाइस आपको कमेंट्स में बताइएगा कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा, और अगले एपिसोड में हम आपसे इस ट्रक को कंप्लीट करेंगे, इस डिलीवरी को. और ये दुआ कीजिएगा कि बंद ना हो जाए बीच में, ताकि हम इसको अपनी जगह तक जल्दी जल्दी पहुंचा दें. और मिलते हैं अगले एपिसोड में. तब तक अपना खूब सारा ख्याल रखिए. अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द अज जल्द इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए.
मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, अल्लाह हाफिज। यही मैंने बोला था कर लेना हाला, फेंके ये डाला बोले चकलाला, फिर भी तूने ना माना, अब तूने सिर्फ उठाना। ये नीचे जो लगे पर रूद है, देख मेरे कितने महबूब है।